नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। मुंबई में 100 करोड़ का एक और बड़ा घोटाला सामने आया है और इस बार रडार पर बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल आए हैं। 100 करोड़ के कोविड सेंटर घोटाले में ईडी ने बीएमसी कमिश्नर को पूछताछ के लिए तलब किया है। आरोप है कि उन्होंने कोविड सेंटर के कॉन्ट्रैक्ट बेनामी कंपनियों को दे दिए थे और 100 करोड़ का घोटाला किया था। अब ईडी इस केस में सामने आ रहे कई नामों को खुलासा करने वाली है। देखिए इस रिपोर्ट में। ईडी ने कोरोना काल में हुए कोविड सेंटर घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने 100 करोड़ के कोविड सेंटर घोटाले में पूछताछ के लिए बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को समन भेजा है। ईडी ने बीएमसी कमिश्नर को पूछताछ के लिए 16 जनवरी को बुलाया है। इकबाल चहल पर आरोप है कि उन्होंने कोविड सेंटर के कॉन्ट्रैक्ट बेनामी संपत्तियों को दिया था और 100 करोड़ का घोटाला किया था। ईडी ने इकबाल चहल को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि कोरोना काल में बीएमसी के कोविड सेंटर में मेडिकल सर्विस और इक्विपमेंट्स के लिए कई बाहरी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसमें कथित तौर पर ऐसी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जिन्हें पहले कोई अनुभव नहीं था। बीएमसी ने लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस कंपनी को वर्ली और दहीसर में जंबो कोविड सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। कथित तौर पर इस दौरान 100 करोड़ का घोटाला किया गया था। बताया जा रहा है कि इन दोनों कंपनियों को मेडिकल फील्ड में कोई अनुभव नहीं था, फिर भी इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इसके बाद बीजेपी नेता किरट सोमैया ने आजाद मैदान में पुलिस स्टेशन में फरवरी 2022 में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद अगस्त में उन्होंने केस भी दर्ज करवा दिया था। अब इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रही है। ईडी ने बीएमसी के कई अधिकारियों से इस मामले में पूछताछ की है। बता दें कि लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विस कंपनी के पास जून 2020 से मार्च 2022 तक कोविड सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट था। नई कंपनी और मेडिकल फील्ड में कोई अनुभव न होने के बावजूद भी इसे कॉन्ट्रैक्ट मिला था। जबकि पीएमआरडीए के अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस कंपनी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट न देने का आदेश जारी किया था। इसके बाद भी बीएमसी ने कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट जारी रखा और घोटाले को अंजाम दिया। लेकिन अब बीएमसी कमिश्नर ईडी की रडार पर आ गए हैं। जल्द घोटाले में मास्टरमाइंड का पता चलने वाला है और इस केस में जल्द बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। तो 100 करोड़ के कोविड सेंटर घोटाले में बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। ईडी अब सख्ती से इकबाल चहल से पूछताछ करेगी और घोटाले में शामिल बाकी लोगों के बारे में भी पता लगाएगी, जिसमें उद्धव ठाकरे की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये घोटाला भी उद्धव के कई राज खोल सकता है। उद्धव ठाकरे के वक्त में ही अनिल देशमुख ने 100 करोड़ की वसूली की थी। उद्धव ठाकरे के राज में ही एनसीपी नेता हसन मुशरीफ ने 100 करोड़ के हेराफेरी के आरोप उन पर लगे थे और अब बीएमसी कमिश्नर पर 100 करोड़ की घपलेबाजी के आरोप ने तहलका मचा दिया है। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।